गुड मॉर्निंग बी एस सी पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड क्वांटम मैकेनिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आज हम प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे प्रायिकता धारा घनत्व या प्रॉबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है फॉर अ पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई आर टी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी आर टी एंड द प्रॉबिलिटी करंट डेंसिटी एस आर टी आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशंस किसी तरंग फलन साई आर टी से वर्णित किए गए एम द्रव्यमान के कण के लिए स्थिति प्रायिकता घनत्व या प्रायिकता घनत्व पी आर टी और प्रायिकता धारा घनत्व एस आर टी को इन एक्सप्रेशंस के द्वारा लिखा जा सकता है पी इज इक्वल टू साई स्टार साई और एस इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस बाय टू एम साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार यहाँ साई आर टी को शॉर्ट में हमने साई लिख दिया और स्थिति प्रायिकता घनत्व को हम प्रायिकता घनत्व भी लिखते हैं एस को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है एच क्रॉस बाय टू एम आई साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार

प्रॉबिलिटी डेंसिटी इस इक्वेशन को प्रायिकता घनत्व की सांतत्य समीकरण भी कहते हैं पी को स्थिति प्रायिकता घनत्व या प्रायिकता घनत्व कहते हैं और इसे हम पहले पढ़ चुके हैं आज हमें प्रायिकता धारा घनत्व एस को डिराइव करना है और उसके बाद सांतत्य समीकरण को डिराइव करना है सो कंसीडर द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंग इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रियल पोटेंशियल एनर्जी रीजन एक वास्तविक स्थितिज ऊर्जा वी आर टी क्षेत्र में गतिशील कर्ण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल साई आर टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा टू साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी हम शॉर्ट में साई आर टी को साई लिख रहे हैं तो ये इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई बाई टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल्टा टू साई प्लस वी साई यह इक्वेशन फोर है अब हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सम्मिश्र संयुग में लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन में जहाँ भी वेव फंक्शन साई है उसे साई स्टार से रिप्लेस कर देते हैं और जहाँ भी आई है उसे माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आती है वो है माइनस आई एच क्रॉस डेल साइज स्टार बाय डेल्टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल्टा टू साइज स्टार प्लस वी साइज स्टार यह इक्वेशन फाइव है अब इक्वेशन फोर को हम लेफ्ट हैंड साइड से साइज स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं इससे जो इक्वेशन आती है वो है आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई बाई डेल्टी इज इक्वल टू तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम साई स्टार डेल्टा टू साई प्लस वी साई स्टार साई यह इक्वेशन सिक्स है जिस प्रकार हमने इक्वेशन फोर को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया उसी प्रकार हम इस श्रोडिंगर समीकरण के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की इक्वेशन फाइव को साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फाइव को लेफ्ट हैंड साइड से साई si से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है माइनस आई एच क्रॉस साई डेल साई स्टार बाय डेल्टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम साई डेल्टा टू साई स्टार प्लस वी साई साइज स्टार यह इक्वेशन सेवन है नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेवन फ्राम इक्वेशन सिक्स अब इक्वेशन सेवन को हम इक्वेशन सिक्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें हम देखते हैं कि जो इक्वेशन uh, सेवन की टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड की वो ऑलरेडी माइनस है जब उसे हम सिक्स से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आती है आई एच क्रॉस साइ स्टार डेल साइ बाेल्टी प्लस साई डेल साइज स्टार बा डेल्टी राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसे हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम साई स्टार डेल्टा टू साई माइनस साई डेल्टा टू साइज स्टार सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं प्लस वी साई स्टार साई माइनस साई साई स्टार अब इस इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड की सेकेंड टर्म वो है वी साई स्टार साई माइनस साई स्टार हम जानते हैं कि साइज स्टार साई साई साइज स्टार के बराबर होता है इसलिए ये सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो इस प्रकार है फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास है आई एच क्रॉस साइज स्टार डेल साइबर डेल्टी प्लस साई डेल साइज स्टार बर डेल्टी इन दोनों टर्म्स को मिलाकर भी हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेलबर डेल्टी ऑफ साइज स्टार साई तो जो रिज़ल्ट आया आई एच क्रॉस डेलबर डेल्टी ऑफ साइज स्टार साई इजिक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम साई स्टार डेल्टा टू साई माइनस साई डेल्टा टू साइज स्टार यह इक्वेशन एट है इक्वेशन एट की सेक जो राइट हैंड साइड की टर्म है इसका एक्सप्रेशन साइज स्टार डेल्टा टू साई माइनस साई डेल्टा टू साइज स्टार को हम चेंज कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं डेल्टा डॉट साइ स्टार डेल साई माइनस साई डेल्टा साइ स्टार इक्वेशन नाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नाइन में जो हमने लिखा है इसको इक्वेशन एट में सब्सट्यूट करते हैं और रिजल्ट आता है आई एच क्रॉस डेल बाय डेल्टी ऑफ साइ स्टार साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल्टा डॉट साइ स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साई स्टार इस इक्वेशन को आई एच क्रॉस से डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड आता है डेल्ट बाय डेल्टी ऑफ साइ स्टार साई राइट हैंड साइड में जब आई एच क्रॉस से डिवाइड किया जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी एच क्रॉस बाय टू एम आई और इस कांस्टेंट टर्म को डेल्टा के अंदर लिख देते हैं क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म में स्पेस की कोई टर्म नहीं है तो राइट हैंड साइड हो गया माइनस डेल्टा डॉट एच क्रॉस पैट टू एम आई साइज स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साइज स्टार हमने शुरू में इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के द्वारा पी और S को डिफाइन किया था जहाँ पी था साइज स्टार साई और S था एच क्रॉस पर टू एम आई साई स्टार डेल्टा साई माइनस साई डेल्टा साइज स्टार इस इक्वेशन में पी और S के एक्सप्रेशन रखते हैं हम तो इक्वेशन आती है डेल पी बाय डेल्टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट S और इसको लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल्टी प्लस डेल्टा डॉट एस इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन टेन है दिस इक्वेशन इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसी इक्वेशन को प्रायिकता घनत्व की सांत्य समीकरण कहते हैं अब हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का संरक्षण प्रूव करेंगे इसके लिए इक्वेशन टेन को वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आई इंटीग्रल ओवर वी डेल पी डेल डेल्टी डी वी प्लस इंटीग्रल ओवर वी डेल्टा डॉट एस डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन लेवन है इस इक्वेशन में गोस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके हम सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल्टा डॉट एस डी वी इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट एन डी ए यहाँ n एक यूनिट वेक्टर है जो कि सरफेस डी ए के परपेंडिकुलर है तो n डी ए को हम डी ए लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ s डॉट डी ए इक्वेशन ट्वेल्व को इक्वेशन इलेवन में रखने पर रिजल्ट आता है डेल बाय डेल टी ऑफ इंटीग्रल पी डी वी इज इक्वल टू माइनस क्लोथ सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ये इक्वेशन थर्टीन है Now, in this equation, equation 13, the left hand side represents the change with time of probability of finding the particle in volume V or rate of change of probability of finding the particle in volume V. Whereas the right hand side represents the flux of probability current density leaving the surface which is enclosing the volume V.

वो आयतन V में कण के पाए जाने की प्रायिकता का समय के साथ परिवर्तन की दर को दर्शाता है जबकि राइट हैंड साइड की टर्म आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स को दर्शाता है इस प्रकार इक्वेशन थर्टीन का अर्थ यह निकलता है कि आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कर्ण के पाए जाने की प्रायिकता की कमी के दर के बराबर है इस प्रकार प्रायिकता का संरक्षण प्रूव होता है और यह रिलेशन प्रायिकता के संरक्षण को दर्शाता है अब अगर हम आयतन या वॉल्यूम वी को बहुत बढ़ा दें ताकि वी टेंड्स टू तो इन्फिनीटी हो जाए तब जिस सरफेस ने इस वॉल्यूम या आयतन को कवर किया हुआ है वो सरफेस इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस अर्थात अनंत दूरी पर जो सरफेस है वहाँ पर वेव फंक्शन साइ वैनिश हो जाना चाहिए इसका रीज़न पहले भी समझाया जा चुका है अगर अनंत दूरी पर जो सरफेस है वहाँ पर वेव फंक्शन साइ वैनिश होता है तो इक्वेशन थर्टीन में जो लाइट राइट हैंड साइड की टर्म है वो वैनिश हो जाएगी और जीरो के बराबर हो जाएगी इस प्रकार अगर v टेंस टू इन्फिनीटी हो तो इक्वेशन थर्टीन में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की टर्म रहती है जिसे हम लिख सकते हैं डेल टी ऑफ इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस पी डी वी इज टू ज़ीरो यहाँ हमने पी डी वी को संपूर्ण आकाश में समाकलन किया है इस प्रकार लिखा जा सकता है इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस पी डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट संपूर्ण आकाश में पी डी वी का समाकलन का टाइम डेरिवेटिव अगर जीरो है तो इसका मतलब पी डी वी का संपूर्ण आकाश में जो समाकलन है वो एक कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए पी साई स्टार साई के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस इक्वेशन को हमने फोर्टीन लिखा है यहाँ समाकलन संपूर्ण आकाश में किया गया है इसका अर्थ यह निकलता है कि संपूर्ण आकाश में कर्ण के पाए जाने की प्रायिकता कंजर्व होती है नियत होती है संरक्षित रहती है अगर यह कांस्टेंट वन होता है तो हम कहते हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या प्रसामान्यकृत है इसका अर्थ यह हुआ कि नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम जो नॉर्मलाइजेशन का जो समाकलन है वो समय पर निर्भर नहीं करता है थैंक यू